दोस्तों, स्कूल एवं संकुल में जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और एक सेट गणवेश प्राप्त हुआ है, उसकी एंट्री हम समग्र शिक्षा पोर्टल पर कैसे करेंगे, आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, मैं हूं सत्यदेव गंधर्व और आप देख रहे हैं SDR ऑनलाइन शाला। दोस्तों, सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउजर या फिर आप गूगल क्रोम ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के पश्चात यहाँ सर्च बार पे आपको टाइप करना है SSA छत्तीसगढ़ और सर्च कर देना है। सर्च करते ही पहला नंबर पर इस तरह से लिंक आ जाएगा, देख सकते हैं, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही समग्र शिक्षा पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर लोगो शो हो रहा है समग्र शिक्षा, साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर का पिक्चर भी दिया गया है। अब आप यदि स्कूल का लॉगिन करना चाहते हैं या फिर संकुल का, तो आपको नीचे आना है। यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं बुक यूनिफॉर्म साइकिल, इस पर चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते इस तरह से लॉगिन ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं स्टेट लॉगिन है, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, ब्लॉक लॉगिन, क्लस्टर लॉगिन और स्कूल लॉगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लस्टर लॉगिन, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लस्टर लॉगिन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने क्लस्टर या स्कूल का UDIS कोड इंटर करना है और फिर यहाँ पर पासवर्ड, यदि आपके मोबाइल में ये जो पासवर्ड है पहले से सेव्ड है ना, तो उससे लॉगिन नहीं होगा, है ना, अमान्य लॉगिन आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो लॉगिन ID है यानी कि UDIS कोड और पासवर्ड सेम रखना है, क्योंकि इसमें अपडेट किया गया है, चाहे वो स्कूल का ID पासवर्ड हो या फिर संकुल का, सेम रखना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। साथ ही साथ दोस्तों, इस पोर्टल में पहले फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन था, अभी भी है लेकिन ये एक्टिव नहीं है, कर रहा है कुछ कुछ ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है ना, लेकिन आप इसमें एंट्रीज कर सकते हैं। तो चलिए हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते ही इस तरह से आएगा, समग्र शिक्षा में आपका स्वागत है, राइट साइड में ग्रीन कलर में, फिर आप इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं संकुल का नेम शो हो रहा है जैसे कि बेलगांव, यहाँ पर क्लस्टर कोड शो हो रहा है। यहाँ पर एरो निशान पर क्लिक करके आप प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं, साथ ही साथ लॉगआउट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी प्रोफाइल एडिट करें और पासवर्ड बदले ऑप्शन एक्टिव नहीं है। जैसे कि यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं 404 पेज नॉट फाउंड इस तरह से शो हो रहा है, तो आप यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते। साथ ही साथ डैशबोर्ड पे देख सकते हैं टोटल स्कूल अभी 0 है, टोटल टेक्स्ट बुक 0 है, टोटल यूनिफॉर्म भी 0 है और लास्ट लॉगिन भी देख सकते हैं 0 है। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि होम में है आपका डैशबोर्ड जो कि ओपन है, इसी प्रकार टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म, यहां से आप टेक्स्ट बुक की भी एंट्री करेंगे और यूनिफॉर्म की भी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट बुक की। टेक्स्ट बुक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से 3 नए ऑप्शन और ओपन हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वेरीफाई बुक रिसीव्ड फ्रॉम, दूसरा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल, थर्ड है बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। तो यहां से आप जो बुक प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम से उसकी एंट्री करेंगे और यहां से स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और यहां से आप उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। सेम ऑप्शन इसमें भी दिया गया है, देखिए 3 ऑप्शन, वेरीफाई यूनिफॉर्म रिसीव्ड फ्रॉम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं बुक वाले पे, वेरीफाई बुक रिसीव्ड, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बगैर आपका पूरा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, देख सकते हैं इस तरह से डैशबोर्ड स्क्रीन आपको शो होगा, वेरीफाई बुक रिसीव्ड फ्रॉम TBC। तो यहां से आप इसको सेव भी कर सकते हैं प्रिंट के रूप में, PDF के रूप में। तो यहाँ पर संकुल का नाम, चालान नंबर, चालान दिनांक, प्राप्ति का दिनांक, कुल किताबें, सत्यापन की स्थिति, एक्शन, सब कुछ ब्लैंक शो हो रहा है। अब हमें इसमें एंट्रीज करने के लिए यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में एड न्यू चालान का ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात देखिए आ गया न्यू चालान एड। तो सबसे पहले आपको चालान नंबर एड करना है, तो वो चालान नंबर आपको जो रिसिप्ट प्राप्त हुआ होगा उसमें दिया गया है। तो जैसे कि मैं चलिए यहाँ पर चालान नंबर इंटर कर देता हूँ 103483, ये इस तरह से। फिर चालान डेट इंटर करना है यहाँ पर क्लिक करके, तो चालान डेट इसमें दिया गया है 4 जून, तो यहाँ पर मैं 4 जून सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है बुक रिसीव्ड डेट, बुक आपको कब मिला है ना, तो बुक हमें मिला था 6 तारीख को, 2 दिन पश्चात, ये मैंने 6/6/2024 इंटर कर दिया। इसके पश्चात आपको क्लास वाइज यहाँ पर बुक्स की एंट्री करना है कि कितनी संख्या में आपको प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि क्लास 1 हिंदी में मुझे मिला है टोटल बुक्स 42, तो
यहाँ पर मैं 42 इंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट है इंग्लिश, इंग्लिश भी हमें मिला है 42, गणित भी मिला है 42। ये हो गया पहली का। इसी तरह से आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवी, सातवीं, आठवीं का इंटर करके सेव कर देना है। तो चलिए दोस्तों, मैं तब तक इसे इंटर कर देता हूँ, फिर हम आगे का ऑप्शन देखेंगे। सभी जानकारी को एंट्री करने के पश्चात यहाँ पर आपको अंतिम में टोटल चेक कर लेना है, जो रिसिप्ट प्राप्त हुए उसके साथ। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ पर जो डैशबोर्ड ब्लैंक शो हो रहा था यहाँ पर ये आ जाएगा। देखिए, अब संकुल का नाम आ गया, चालान नंबर, चालान दिनांक, प्राप्ति का दिनांक, कुल किताबें, सत्यापन की स्थिति। तो आपको इसे एक बार चेक कर लेना है, इसके बाद आपको वेरीफाई नाउ करना है ना। यदि आप वेरीफाई पहले से कर लेंगे विदाउट चेक, तो फिर उसके पश्चात एडिट होने की संभावना नहीं रहता है। तो आपको एक बार चालान नंबर है ना, बुक्स की संख्या, प्राप्ति का दिनांक, चालान दिनांक, कुल किताबें चेक कर लेना है। यहाँ से आप पुनः एडिट कर सकते हैं। देखिए, मैं एडिट पर यदि क्लिक करता हूँ तो यदि फिर हम एडिट नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में आप इसमें एडिट भी कर सकेंगे। फिर आपको वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आ गया सत्यापन की स्थिति वेरीफाइड एक्शन। यदि आप इसे अनवेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अनवेरीफाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप वेरीफाई बुक रिसीव्ड फ्रॉम, ये जो ऑप्शन है, इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुक डिस्ट्रीब्यूशन टू स्कूल, यहाँ से आप स्कूल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बुक्स। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले फिर से आपको चालान नंबर डालना है, यही वाला, फिर चालान दिनांक, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा ऐसे करते ही। यहाँ पर आपको कब डिस्ट्रीब्यूट किए बुक, वो डेट लिखना है। तो जैसे कि मैंने 17 जून को बुक डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो वो डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सिलेक्ट स्कूल, यहाँ से स्कूल सिलेक्ट करना है कि किस स्कूल को आप पहले बुक्स वितरण करना चाहते हैं। तो जैसे कि चलिए मैं गवर्नमेंट एम एस टेढ़ी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप बुक्स की संख्या डालते जाएंगे, जैसे कि देखिए क्लास 1, 2, 3। तो चूंकि ये मिडिल स्कूल है, तो मिडिल स्कूल में आप 6वीं, 7वीं, 8वीं के लिए बुक वितरण करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस हैं, यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है और 6वीं, 7वीं के लिए वितरण करना है। ये जो है पहली, दूसरी, ये प्राइमरी के लिए है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट थर्ड ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ से आपका 6वीं, 7वीं का स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि 6वीं में योग शिक्षक कितना मिला है बुक डिस्ट्रीब्यूटेड लिखना है, फिर यहाँ पर रिमेनिंग बुक, तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेगा। इसके पश्चात आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसी प्रकार आप अपने संकुल में जितने भी स्कूल हैं उसे बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर आपको सबमिट करते जाना है। अंतिम में आप यहां पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट देख सकते हैं। सेम प्रोसेस आपका यूनिफॉर्म का है, इसे भी हम आगे देखेंगे। तो यहां कक्षा 6वीं योग शिक्षा बुक यहां पर हम दे रहे हैं, तो कक्षा 6वीं योग शिक्षा के लिए हम यहां पर डाल देते हैं, चलिए 12। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भारती की संख्या हम डाल देते हैं 18। सबमिट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से सक्सेसफुली अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आपको सभी स्कूल को बुक्स वितरण करना है। इसके पश्चात यहाँ पर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने एक ही स्कूल को बुक वितरण किया है, इसलिए देखिए यहाँ पर एक ही स्कूल का शो हो रहा है। इसी तरह से आपको प्रत्येक स्कूल को वितरण करना है। सेम प्रोसेस आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी रहेगा। इस तरह बड़ी आसानी से आप बुक डिस्ट्रीब्यूट इस पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, साथ ही साथ यूनिफॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको स्कूल का एंट्रीज कैसे करना है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से चलिए मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के पश्चात हमें फर्स्ट पेज पर पहुँचना है यहाँ पर, और यहाँ इस बार हमें स्कूल लॉगिन पर क्लिक करना है। स्कूल लॉगिन पर क्लिक करते ही इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर चलिए हम किसी स्कूल का ले लेते हैं, ये इस तरह से। देखिए आपका यूडाइस कोड और पासवर्ड सेम रहेगा, ठीक है। चलिए लॉगिन करते हैं। वेलकम टू समग्र शिक्षा पोर्टल, यहाँ पर देख सकते हैं विद्यालय का नेम आ रहा है, गवर्नमेंट एम एस टेढ़ी SSA। यहाँ पर स्कूल का कोड और यहाँ पर सेम ऑप्शन है, प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, पासवर्ड बदल सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तरह से 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, होम, स्कूल प्रोफाइल, स्कूल डिटेल्स, टेक्स्ट बुक, PSMS और यूनिफॉर्म। तो हमें यहाँ से अपना डैशबोर्ड देख सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर से काम अपना शुरू करना है स्कूल प्रोफाइल से। इस पर क्लिक करेंगे, फिर प्रोफाइल डिटेल्स, और यहाँ पर आपको प्रोफाइल डिटेल अपडेट करना है। प्रोफाइल डिटेल अपडेट करने के लिए यहाँ पर आपको अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर नेम देना है, डेजिग्नेशन यानी कि यहाँ पर संस्था प्रमुख का नाम रहेगा। जैसे कि चलिए मैं संस्था प्रमुख का यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, यहाँ पर डेजिग्नेशन रहेगा शिक्षक LB। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जैसे कि प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक, सहायक शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक LB, सहायक शिक्षक LB और अदर्स। यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है, नेक्स्ट है ईमेल आईडी। चारों ऑप्शन को फिल करने के पश्चात आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते इस तरह से आपका जो डिटेल्स है वो अपडेट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए नेम, डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल शो हो जाएगा। यहाँ से आप फिर से इसे अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर आपको इनरोलमेंट एंट्री इंटर करना है। देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है अपडेट इनरोलमेंट। देखिए क्लास सिक्स में कितने बॉयज हैं गर्ल्स है, इसकी संख्या देना है। क्लास सेवन्थ में कितने बॉयज गर्ल्स हैं वो संख्या देना है। इसी प्रकार एट्थ में देना है। इसके पश्चात आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर चलिए यहाँ पर मैं संख्या दे देता हूँ विद्यार्थियों की। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर दे, देखिए ये इनरोलमेंट इंटर हो गया। यहाँ से आप पुनः अपडेट कर सकते हैं, देखिए फिर से आप अपडेट कर सकते हैं। फिर हम मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पर क्लिक करना है, PSMS, वेरीफाई बुक रिसीव्ड फ्रॉम, यहाँ पर क्लिक करेंगे। और जैसे संगुल किए थे ना सेम, वैसे यहाँ भी करना है। सबसे पहले जो हमें प्राप्त हुआ है ना, जितने भी बुक वो यहाँ पर वेरीफाई करना है। देखिए इस वेरीफाइड, यहाँ पर आपको वेरीफाई नाउ पर क्लिक करना है, वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, है ना। एड न्यू चालान के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आप बच्चों को जो बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो यहाँ पर इंटर करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। इसी प्रकार सेम प्रोसेस यूनिफॉर्म का है, तो इसमें कोई टफ कार्य नहीं है। जैसे कि मैंने आपको संकुल का दिखाया, सेम प्रोसेस है। इस तरह बड़ी आसानी से आप बुक्स एवं यूनिफॉर्म्स की एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।